गौरचंद्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरसुते नमः हे कृष्ण करुणासिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त श्रीराधिकान्त नमस्तुते सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिवे वृन्दारे तुलसीदेवै प्रियामयि केशवस्य च कृष्णभक्तिं प्रजदेवि सत्यवतै नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवधरे गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हम लोग ये श्रवण कर रहे थे कैसे कृष्णा ब्रज में बड़ी मीठी मीठी बड़ी प्यारी प्यारी लीलाओं को करते हुए संपूर्ण ब्रजवासियों को एकदम प्रेम रस में ठाकुर की कृपा करके रखे थे। गुरुदेव गुरुदेव इसी विषय में बहुत सारी कथा सुनाया करते थे। कृष्ण कैसे मधुर मधुर लीला करते हैं। एक दिन क्या हुआ, किसी गगरिया ने, गगरिया समझते हो, इसमें चंद्रमा की परछाई पड़ी, परछाई पड़ के उसमें चंद्रमा दिखने लगी। कृष्ण ने बोले मैया मैया मेरे को ये चंद्रमा दे दे, मेरे को ये चंद्रमा दे दे। मैया ने उसमें एक मक्खन की बेला डाल दिया, डाल करके बोले देखो तुम चंद्रमा को लो। जब उसने इसे हाथ मारे ना, उसका हाथ में आ गया मक्खन का डेला, बोले लाला यही चंद्रमा खा लो। इतने में कृष्ण ने खा लिया, जो खा लिया फिर देखा वो गगरिया में फिर उसमें चंद्रमा की परछाई थी, वो फिर चंद्रमा दिख रहा है। बोले मैया तुम मेरे को बहका रही हो, चंद्रमा तो फिर इसके अंदर में चंद्रमा है, हैं फिर तुमने मेरे को चंद्रमा फिर कहा दी, बस ये चंद्रमा दे। इतने में मैया ने बोली देख लाला ये चंद्रमा है ना, देखो उसमें एक धब्बा है, देखना उसमें एक दाग है। कृष्ण ने पूछा मैया ये दाग कहाँ से आए, बोले लाला जिस समय ये समुद्र मंथन हुई, ये समुद्र मंथन से 20 में निकला था, समुद्र मंथन में ये 20 में निकला था, इसलिए जो 20 है ना ये जो धब्बा दिख रहे वो 20 का धब्बा है बेटा, उसको खाने से फिर तबीयत खराब हो जाता है, उसको देखने से खराब हो जाता है, इसलिए इसको तरफ से देखा मत करो क्योंकि ये पिछले 20 उसमें 20 का दाग बड़ा हुआ है। फिर कृष्ण डर करके
फिर कहते नहीं 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 सर। एक दिन कभी ब्रज में क्या होता था, कृष्ण और बलराम दो पार्टी बन जाते थे, एक कृष्ण का पार्टी और एक दाऊ भैया का पार्टी, और दोनों में लड़ाई होता था। बोले जो जीतेगा ना उसको मक्खन की मक्खन की डेला मिलेगा। इतने में कृष्ण बलराम जैसे होते ना दोनों जैसे लड़ाई करते, ऐसे दोनों करके फिर दोनों भीड़ जाते थे। जब भीड़ जाते थे इतने में करते 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 कभी कि बलदेव प्रभु कृष्ण को कभी पछाड़ देते थे। जब पछाड़ देते थे इतने में कृष्ण जाकर के मैया को बोल बोल मैया आज मैंने हार गया क्यों? इसलिए तो इसीलिए हार गया तो मक्खन खाता है, अब तेरे को खिलाने के लिए पता नहीं क्या क्या करना, खाओ 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 तेरे पीछे लगना पड़ता है। और दाऊ भैया को देखो कितने मक्खन खाता है, कितने तभी तो शरीर हिस्से पुष्ट है ना, तो खाता पीता है नहीं, कैसे उसको परास्त करोगे? कृष्ण कहते फिर मैया दे मक्खन दे मैं खाता हूँ, ले आ मक्खन। कृष्ण खाने लग जाती है। कभी कभी कृष्ण बोलते बोले मैया जो दाऊ भैया का जो चोटी ना वो बड़ा बड़ी है, और मेरी जो चोटी है ना ये छोटी है, ये दाऊ भैया का चोटी क्यों बड़ी और मेरी चोटी क्यों छोटी? बोले तू मक्खन खाता है छोटी कैसे बड़ी होगी बताओ? जैसे माताएं क्या करती है बच्चों को खिलाने पिलाने के लिए देखना कुछ कुछ बहाना बनाती है, अगर इसको खा लोगे तो कैसे हो जाएगा, इसको खा ले बोलते हैं ना। मैया ने बोले तूने मक्खन नहीं खाता है छोटी कैसे बड़ी होगी? बोले ला मैया अभी मैं मक्खन खाता हूँ। कृष्ण इधर मक्खन खाते हो छोटी को पकड़ते हैं, छोटी बड़ा हुआ जी है, इधर मक्खन खाते इधर छोटी पकड़ते हैं। बोले मैया अभी तक तो बड़ी ही नहीं है, लगता है तुम मेरे को बहका रहे हो, लगता है तुम मेरे को बहका रहे हो, छोटी बढ़ेगी। ऐसे ही कृष्ण बचपन में बड़े जैसे भगवान होकर के भी पूरा जैसे साधारण बालक जैसे कृष्ण जैसे लीला करते थे, इसलिए कृष्ण जब छोटे बच्चे थे हम लोगों ने कथा सुने ना, एक समय श्री भोले बाबा भी प्रभु को दर्शन करने के लिए आए, जब भोले बाबा दर्शन करने के लिए आए इतने में शंकर जी ने देखा, मैंने प्रभु का तो सारे लीला को देखा, जितने अवतार सारे अवतार मैंने देखे, लेकिन अभी कृष्ण तक बाल गोपाल जो स्वरूप है अभी तक तो मैंने देखा ही नहीं, क्योंकि कृष्ण को जब भूख लगता है ना कृष्ण रोते हैं, देखना बच्चा जब रोए ना माँ को क्या पता चलता है अभी ये दूध पीने का समय आ गया, फिर भैया क्या करती है उनको दूध पिलाती है। अब देखना जब बच्चों को चलाना सिखाते हैं ना बताए कैसे क्या करती है, उनको अंगुल पकड़ा करके उनको ठुमुक ठुमुक करके उनको चलाना सिखाते हैं। इसलिए शंकर जी ने देखा प्रभु को तो सारे लीला हमने देख लिया, लेकिन अभी उनको बाल गोपाल स्वरूप हमने दर्शन नहीं कर पाए हैं। इसलिए कभी कभी नारद भी हैं, कभी कभी नारद भी प्रभु को दर्शन करने के लिए आते हैं, कहते प्रभु का बाल स्वरूप का हमने देखो ही ना कभी। इतने में एक दिन क्या हुआ, मैया जसोदा ने कृष्ण को बड़ा सुंदर श्रृंगार किया, श्रृंगार करके मैं तो खेल, इतने में कृष्ण गया और उन्होंने खेल धूल करके जितने सब शरीर में धूल फूल लगा करके आ गया, आ करके बोले मैया मेरे को गोद में ले ले। मैया कहते तू गंदा बच्चा, तेरे को अभी अभी तेरे को स्नान करा के तेल लगा करके हीरे मुक्का से तुम्हारी चोटी को मैंने कितना सुंदर श्रृंगार की, और अभी अभी गया सारे श्रृंगार को तू बिगाड़, तेरे को मैं गोद में नहीं लेता हूँ, तेरे को मैं गोद में नहीं लेता हूँ। ठीक उसी समय में श्री नारद जी आए थे, है देखो वो लीला गुरुदेव ने वहां पर दिया है, उसी समय श्री नारद जी आए थे। अभी नारद जी कृष्ण मचल रहे हैं, क्या मैया मेरे को तू गोद में ले ले, लेकिन मैया क्या कर रही है, तू गंदा बच्चा तेरे को मैं गोद में नहीं लूंगा, उसको भगा रहे हैं। नारद जी देखते बोले हे भगवान देखो है देखो ये मैया जसोदा कितने सौभाग्यवान है, जो सौभाग्य को मतलब ब्रह्मा है, जो सौभाग्य को ब्रह्मा को भी प्राप्त नहीं हुई है, कहते ना यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति न तव नखाग्र मरीची है, ध्यान करते हुए चरण की नख की छटा तक को भी जो दर्शन नहीं कर पाते ब्रह्मा, शंकर भी जिनको दर्शन करने के लिए योगी बन करके आते हैं, लक्ष्मी भी जो सौभाग्य को प्राप्त नहीं कर पाए, कहते वो सौभाग्य आज किसको प्राप्त होगी, बोले मैया जसोदा को और श्री नंद बाबा को। इसलिए बोले
श्रुति मितरे स्मृति मितरे भारत वन्य भव भीता अहम तु नंदम वंदे जस्यालीन दे परम ब्रह्म। कहते हैं भले श्रुति किसी देवता किसी को पूजा करे, स्मृति किसको पूजा करे, माल अर्थ किसको पूजा करे, लेकिन मैं तो श्री नंद बाबा को बारंबार श्री नंद बाबा को प्रणाम करता हूँ। बोले क्यों? बोले जस्यालीन दे परम ब्रह्मा। कहते जिनकी आंगन में ना, जिनकी आंगन में कृष्ण क्या करते हैं, घुटन पर चल रहे हैं, जिनके आंगन में कृष्ण घुटन पर कृष्ण चलते हैं। अगर कभी नंद बाबा बोलते लाला मेरा जूती ले आ, कृष्ण ठुमक ठुमक करके कृष्ण चलते हैं और जा करके क्या करते हैं, वो जूती को हाथ में नहीं जूती को सर पर रख करके आते हैं, जूती को सर पर रख करके आते हैं। नंद बाबा इतने खुश हो जाते हैं, देखो मेरे लाला कितने अच्छे हैं, मेरे लाला कितने अच्छे हैं, क्योंकि लाला जब सर में घुमाना चाहते, इसलिए लाला जब बड़ा होगा ना, लाला जो बड़ा होगा पिता माता की ये बड़ी सेवा करेगा लाला, नंद बाबा खुश हो जाते हैं। उसी तरह अभी श्री शंकर जी देखा, प्रभु को सार लीला तो हमने देखा, सार लीला देखा, लेकिन वो परम ब्रह्म होकर के भगवान होकर के अभी गोकुल में हैं, कितना सुंदर प्रभु लीला करते हैं। बल्कि एक समय कृष्ण जब थोड़ी सी बड़े हुए, बोले कितना बड़े हुए, जब बच्चा करवट लेता है ना, बच्चा जब करवट लेता है, करवट लेने पर अब देखना बच्चा बड़ा चंचल होता है, जो चीज को पकड़े देखे उस चीज को पकड़ना चाहते, जो चीज को देखे उसको पकड़ना चाहते। अभी कृष्ण तो वैसे ही नटखट है, अभी कृष्ण सोच रहे हैं अभी मैं थोड़ा घर से बाहर जाता हूँ, घर से बाहर जाता हूँ। लेकिन पहले हर घर में चौपट होता था, चौपट जानती हो, दहली चौपट होता था हर घर में, अभी तो चौपट पौपट कुछ है नहीं, क्योंकि पहले सब घर जंगल में होता था, घर कोई मेढ़ा कोई सांप अंदर में नहीं आ जाए, कोई नहीं आ जाए, इसलिए चौपट। और नंद बाबा का चौपट बड़ी, मथुरा मठ में गए हो, कौन कौन मथुरा मठ में गए हो, देखना पहले दरवाजा में घुट से ही वो चौपट है ना, उसी घुट से चौपट है, अभी तो चौपट पौपट खत्म हो गया है। अभी नंद बाबा के घर में बड़ा चौपट है, और कृष्ण तो अभी केवल घुटन पर चलना अभी सीखे भी नहीं, अभी पेट की सहारा में, जैसे सांप होता है ना, जैसे सांप जैसे धीरे 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 चलता है, कृष्ण अभी केवल पेट की सहारा से ही उन्होंने धीरे 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 अभी सीखे चलना। कृष्ण ऐसे करते 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 बड़े कष्ट से सोच रहे हैं ये चौपट से बाहर जाऊं, बड़े कष्ट से उन्होंने चौपट ऊपर में आए, जब आए ना चौपट था पूछी, अभी आधा शरीर तो बाहर और आधा शरीर उनको भीतर में, जब इतने में कृष्ण क्या हो गया, बीच में लटक गए, अभी बाहर भी नहीं निकल पाते और अंदर भी नहीं आ पा रहे, क्यों, चौपट ऊंची है, चौपट ऊंची, अभी तो कृष्ण लटक गए, पूरा कमरा लटक गए। ठीक उसी समय में कहते श्री नारद जी और श्री लोमर ऋषि ठीक उसी समय में आए थे प्रभु को लीला दर्शन करने के लिए, और देखा कृष्ण लटकत भगवान है, कौन था भगवान, कहते लटकत भगवान है, कृष्ण रो रहे हैं। अभी ये लीला को देख करके नारद जी पहले तो बड़े सुंदर से कृष्ण था लगा कर हा 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 करते करते हंसते, फिर थोड़ी देर बाद में नारद जी रोने लग गए, उनको साथ में लोमहर से ऋषि थे, बोले नारद जी पहले तो अपने ठाल लगा कर हा 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 करते करते हंसे, उसको बाद में फिर रोए, अब हंसे क्यों और रोए क्यों, अब हंसे क्यों और रोए क्यों, बल इसलिए मैंने हंसा भक्तों का सौभाग्य सोच सोच कर, बोले मतलब क्या है, बोले जिनका नाम लेने से जी ये भव सागर से पार हो जाता है, केवल जिनकी नाम लेने से, क्या ठाकुर जी ये चौपट को पार नहीं हो सकते थे, ठाकुर जी क्या ये चौपट को पार नहीं हो सकते थे, जिनका नाम लेने पर जी भवसागर से बंधन से मुक्त हो जाते हैं, फिर कृष्ण ये चौपटों पर लटक क्यों रहे, क्यों रो रहे, क्यों लटक क्यों रहे, कारण है बल्कि केवल भक्तों को आनंद देने के लिए है। कहते भक्ता नाम अनुग्रह नाम परमी क्रिया, भक्तों को केवल कृपा करने के लिए प्रभु जी
ये सारी ये लीला कर रहे हैं, भक्तों को आनंद देने के लिए। अगर कृष्ण ये लीला नहीं करते फिर हम सुनते क्या, फिर क्या सुनते? इसलिए केवल भक्तों को ब्रह्म कृपा करने के लिए। बोले फिर रोए क्यों? बोले इसलिए रोया ये ज्ञानियों का दुर्भाग्य को सोच सोच करके। बोले मतलब क्या है, जब जो ज्ञानी लोग होते हैं ना, ये क्या सोचते हैं, अरे भगवान तो निराकार है, इनका रूप नहीं, गुण नहीं, इनके लीला नहीं, उसको तो कुछ है ही नहीं, वो तो निराकार है। इसलिए वो क्या कहते हैं, वो ठाकुर को लीला को चिंतन नहीं करते हैं। क्या करते हैं, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानाम ब्रह्म। मतलब मैं वही ब्रह्म हूँ, मैं वही तू, तू जो मैं वही हूँ है। तत्त्वमसि सर्वम खलिदम ब्रह्म, जगत में जो देख रहा हूँ सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, हैं? ब्रह्म ही ब्रह्म सबके सब है। इसलिए वो ठाकुर जी की मधुर लीला को वो चिंतन नहीं करते हैं, हैं? लेकिन भक्त लोग क्या करते हैं, भगवान की कथा सुन सुन करके ठाकुर जी की लीलाओं को चिंतन करते 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 उसमें डूब जाते हैं। इसलिए मैं ज्ञानियों का दुर्भाग्य को सोच सोच करके मैं रो रहा था, हैं? इसलिए अभी श्री शंकर जी ने सोचा, भैया मैंने भी प्रभु को दर्शन नहीं किया, सब लीला तो देखा, मत्स्य कुर्म ब्राह्मण नृसिंह बामन परशुराम सार लीला को मैंने देखा, प्रभु का सारे स्वरूप को मैंने दर्शन की, लेकिन अभी तक मैंने कृष्ण का बाल गोपाल स्वरूप को दर्शन नहीं किया। इतने में शंकर जी बड़े सुंदर श्रृंगार करते हुए शंकर जी आए। बोले शंकर जी का श्रृंगार किया है, वैसे तो कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, शंकर जी को तो सुंदर कहते हैं, लेकिन उनका जो ऊपर का बेस देखोगे ना, बड़ा असुंदर, बड़ा अभद्र है। शरीर में क्या लगाते हैं, बहुती, कहाँ के, कोई अच्छी जगह की नहीं, शमशान की बहुती लगाते हैं। बोले क्यों, क्या उनको पाउडर मिला ही नहीं, क्या उनको क्रीम है, उनको क्रीम पाउडर ये सब नहीं मिला है शंकर जी को, और उन्होंने कोई बहुती को लगाना शुरू कर दिया है। कहते शंकर जी प्राय करके ना वो शमशान के पास में रहते हैं, वो देखते हैं जब एक एक व्यक्ति कैसे मरते हैं और चार व्यक्ति कंधे पर ले आते हैं। बोले राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात झूठा है, उसको बोल बोल कर ले आते हैं। क्या करते हैं, शमशान में चिता गोबर लगा कर उसको जलाते हैं और उसका सर को डंडे से मार मार कर तोड़ते हैं। इसलिए देखना उसी समय कोई व्यक्ति देखे ना, उनको वैराग्य हो जाता है, जिसको कहते हैं शमशान वैराग्य। बोले सचमुच से दुनिया में कुछ है ही नहीं, सब झूठा है, जब दुनिया में कुछ नहीं, इतने दुकान मकान बनाया सब गया था, सब छोड़ कर गया है। इसलिए शंकर जी सब चीज को देख देख करके ना है इनके मन में वैराग्य आता है, भैया ये संसार में आसक्ति नहीं करनी चाहिए। इसलिए शरीर में वही शमशान की बहुत को लगाते हैं, उसको देख देख कर कहते जानते हो शरीर, जिस शरीर को तू इतना क्रीम और डल्लम साबुन और क्या क्या लिपस्टिक और ब्यूटी पार्लर में जाकर सजाते हो और जिम में जा जा कर के शरीर को इतने तुम बढ़िया कर रहे हो, जानते हो जल करके तुम एक दिन यहीं पर आओगे, जल करके दो मुट्ठी राख हो जाओगे और कुछ नहीं होगा। इसलिए उस चीज को देख देख करके ना शंकर जी के अंदर में क्या आती है, भैया शरीर में आसक्ति मत करो, आसक्ति करो तो किसमें, ठाकुर जी के राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है। इसलिए शंकर जी हर समय पंचमुखे राम नाम गान त्रिपुरारी। इसलिए शंकर जी हर समय हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम और जो से बोला बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए शंकर जी है कहते भैया अगर मैं शरीर में चंदन लगाऊ ना, देखना अक्सर करके शंकर जी के जितने भक्त सब अखड़ होते प्राय करके, क्योंकि आप जिसको पूजा करोगे ना उसका गुण तो आएगा, जिसको पूजा करोगे तो उसका गुण आएगा ना। शंकर जी का काम क्या, श्रृंगार करना। इसे देखना जितने शंकर जी, रावण का नाम सुने हो, कौन कौन सुने हो रावण का नाम,
वो कैसे था, सीता को लूटा ले गया और भगवान के साथ में लड़ाई किया, जिंदगी भर प्रभु के साथ में युद्ध किया है और जितने सुंदर सुंदर लड़कियां मिले पकड़ पकड़ के लाया है, जगत में टहलका उसने मचा दी। किसको पूजा करता था? शिव जी को। शिव जी को वृकासुर का नाम सुने हो है? उन्होंने शंकर जी को खुश करने के लिए यज्ञ किया, जब शंकर जी प्रसन्न नहीं हुए ना, शरीर का सारे मांस को काट काट करके आहुति देने लग गया। देखा तब भी शंकर खुश नहीं हो रहे, बोले अभी भी खुश नहीं हो रहे, बोले अपना शरीर काट करके आहुति डाल दूंगा। जब अपना सर पकड़ कर काटने के लिए गई ना, भोले बाबा प्रकट हो गए, महा बरम ब्रूही तृप्त अस्मि बरम ब्रूही, मैं प्रसन्न हो गया बर्मा को। बोले क्या चाहते हो? बोले देखे शंकर जी के बाम पास में ये बड़ी सुंदरी पार्वती है, पार्वती बड़ी सुंदरी, बोले मृगन है उसका आँख में से मृगन है, बड़ी सुंदर पार्वती थी है, इसलिए शंकर जी कभी कभी कहते पार्वती तू देखने में जितने सुंदरी है ना, शंकर जी कहते बोले तू दिल से इतना सुंदरी नहीं, देखने में जितने सुंदरी है, इसलिए पार्वती देखने में बहुत ही सुंदर थी पार्वती, इसलिए उन्होंने देखा इनको बाम पास में इतने सुंदर स्त्री, ये क्या करेगा इतना सुंदर स्त्री को लेकर के, दिन भर तो आँख बंद करके ध्यान में रहता है। बोले किसी तरह से इसको ले ले लिया जाए। बोले कैसे लिया जाए? बोले जब तक इसको मारोगे नहीं तब उसको लेके कैसे, इसलिए उन्होंने बर मांगे जिसके सर पर हाथ रखेंगे ना वही जल करके राख हो जाएगा। जब बर दे दिया ना, बोले बर आपने दिया, अभी परीक्षा करना चाहता हूँ। बोले कैसे? बोले आपका सर पर हाथ रख कर। शंकर जी ने कहा बर दिया मैंने और मेरे सर पर हाथ रख करके परीक्षा, शब्द तो भगे ही वहाँ से फिर उसको पीछा ही नहीं छोड़े, फिर किसी तरह से भगवान आकर उनको बचाया। बोले भोले बाबा बर देते समय थोड़ा सोच बूझ करके बर दिया करो, खुद बर देकर खुद फंस जाते हो। इसलिए कहते बाणासुर किसका पूजा करता था? शंकर जी को। शंकर जी को पूजा करता था। एक दिन उसने ड्रम बजाया तो शंकर जी खूब प्रेम से नाचे, बोले भैया दो हाथ में ड्रम बजाया मेरे को इतने आनंद आया कृष्ण प्रेम में, अगर इसको 1000 हाथ दे दूं ना जब ड्रम बजाएगा फिर तो कृष्ण प्रेम में नाचूंगा, इतने ताकत आ गया उसको शरीर में, बाहों में इतने खुजलाहट हाथ मची, पर्वत को मार करके चकना शुरू कर देता है, जिसको पास में गया सब भाग गए। बोले शंकर जी आप ही तो ये ताकत दिए हो, अभी दुनिया में मेरे बराबर कोई रहे नहीं जिसके साथ में युद्ध करो, मेरे तो हाथ बाहों में खुजला हाथ बच रहा है, मेरे साथ में दो हाथ कर लो। बोले हे भगवान बर मैंने दिया, मेरे साथ में लड़ाई करोगे है? मेरे साथ में। बोले चिंता मत करो, तेरे खुजला हाथ सब के सब हैं ठंडा कर देंगे ठाकुर जी। इसलिए यहाँ पर कहते जो शंकर जी जिसको भजन करोगे उसका गुण तुम्हारे अंदर में आएगा, इसलिए विष्णु को भजन करो उसका गुण आएगा। इसलिए देखो जितने विष्णु का भक्त देखो, ध्रुव प्रहलाद तुलसीदास मीराबाई हैं, और जितने सब भक्तों को देखो ना, कृष्ण भक्त राम भक्त सब शांत शिष्ट धीर स्थिर हैं। इसलिए यहाँ पर शंकर जी कहते अगर मेरे ऊपर में अगर मैं चंदन लगाऊंगा तो मेरे भक्त क्या करके सारे चंदन लाकर मेरे सर पर डाल देंगे, अरे मेरे प्रभु कृष्ण और राम की सेवा में कमी हो जाएगी। इसलिए शंकर जी ने चंदन नहीं लेते हैं, इसलिए बेली चमेली सुंदर सुंदर फूल भी ग्रहण नहीं करते। बोले क्यों? बोले इसको अगर मैं ग्रहण करूंगा मेरे भक्त क्या करेंगे, सारे अच्छे अच्छे फूल लाकर मेरे ऊपर देंगे, अरे मेरे प्रभु बाकी भी हरे कृष्ण राम सेवा में क्या करेंगे। इसलिए शंकर जी भदुरे और आकंद पुष्पों को ग्रहण करते हैं। इसलिए शंकर जी जटा जूट शरीर में और बिच्छू सांप लटक रहा है गले में, हड्डी की माला पहन करके शंकर जी अलग निरंजन करते करते आ गए और कृष्ण को दर्शन करने के लिए। इतने में मैया जसोदा देखते ही डर गई, बोले बाबा क्या चाहिए? बोले मेरे को थोड़ा लाला को दर्शन करा दो। बोले बाबा लाला को दर्शन नहीं होएगा क्योंकि कुछ दिन पहले पुतना आ गई थी, वो तो बड़ी देखने में सुंदर थी लेकिन अंत में निकली और आखे से निकली, अंत में और आखिर से निकली, तू तो देखने में वैसे लग रहे हो, तेरे को देख कर तो मेरा जी घबरा रहा है, मेरे लाला के ऊपर में तो बड़ी जल्दी नजर लग जाती है, सोना चांदी है खाना पीना जो चाहते हो सब लो, लेकिन उसको लेकर के तू अपना रास्ता देख। शंकर जी बोले मेरे को सोना चांदी हीरे जवाहरात मेरे पास में कमी नहीं, मेरे को तो केवल लाला का दर्शन करा दे।
लाला का दर्शन कराते, बोले लाला का दर्शन नहीं होगा। बोले जब तक तू लाला का दर्शन नहीं कराओगे ना, यहाँ से मैं हटने वाले नहीं, मैं यही बैठा रहूंगा। बोले हटोगे नहीं कैसे, मेरे चार दरवाजा है, मैं फिर पीछे दरवाजे से काना को निकाल दूंगा। बोले पीछे दरवाजे, बोले चार रूप लेकर मैं चार दरवाजे में बैठ जाऊंगा। है कभी तो लाला को निकालोगे ना, जब पहले लाला बड़ा होगा उसको निकालोगे कि नहीं, वो तो निकलेगा अपने आप निकलेगा, फिर मैं दर्शन करूंगा। इसलिए अभी भी आप जाओगे ना, है नंगे गांव में जाओगे, चार तरफ में चार शंकर बैठे हैं, है और वहां पर एक जोगिया कुंड है। अभी भी वो शंकर जी वहीं पर, अभी भी जोगिया कुंड के पास में शंकर जी अभी भी वहीं पर बैठे हुए हैं। इसलिए इतने में शंकर जी त्रिशूल गाड़ लिया और डम्बर बजाना शुरू किया। डब 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 जब आवाज हुई ना, और कृष्ण को कान में पड़ते ही, कृष्ण शंकर जी कौन है, वैष्णवानाम जथा संभो, भगवान की सबसे प्यारे भक्त श्री शंकर जी, भगवान भक्त वत्सल है। अभी भक्तों को दर्शन देने के लिए कृष्ण तो जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिया। जितने थपथपे लगाए उतने जोर जोर से रोए, इस तरह से रोना ही बंद नहीं हो रहा है। किसने कही लाला बाजी क्या हो गया, रोना क्यों बंद नहीं हो रहा है। एक गोपी ने कहा मैया जो बाबा है ना, वो आंख बंद करके डब्बर बजा रहा है, उसका आवाज और लगता है तेरे लाला के ऊपर कोई जादू टना कर रहा है, कहते लाला को दर्शन नहीं कराओगे तो जाओगा नहीं। अरे मैया ने उनको बड़े कष्ट से काले कपड़े से ओढ़ करके मोटी मोटी काजल लगा दी, काजल का बूंद लगा दी, गले में काला धागा है बांध करके नजर नहीं लग जाए, काले कपड़े से ओढ़ कर लाए। बोले बाबा तू बड़ा अखड़ है, ले दर्शन कर। केवल उन्होंने एक झलक दर्शन कराया, दर्शन कराते ही कृष्ण तो अभी तक रो रहे थे, बस शंकर जी को दर्शन करके हाथ खिलखिला करके हंसने लग गया। और शंकर जी जो हंस रहे थे ना, वो रोना शुरू कर दिया। भैया तो समझ गई कि बाबा कुछ जानता है, लेकिन बोले लाला का तो रोना ले लिया, अपना हंसना लाला को दे दिया, मतलब ये कुछ जानता है। अगर माताओं को पता चले ना ये बाबा थोड़ा जादू टोना तथा हाथ देखना देखना जानता है, फिर क्या होता है, जब माताएं घर घर बैठ जाए, बोले बाबा मेरे हाथ देख लेता है, बाबा मेरे हाथ देख ले, बताओ मेरे बेटा का क्या होगा, मेरी बेटी की क्या होगा, मेरे क्या होगा, संसार का ज्यादा चिंता माताओं का। घेर गए, बोले बाबा तेरे कुछ जादू टोना आता कि नहीं। बोले और क्या, मैं बहुत अच्छा जादू टोना जानता हूँ। बोले मेरे लाला के ऊपर में बड़े जल्दी नजर लग जाती है, कोई जादू टोना है। बोले बहुत बढ़िया जादू टोना। बोले बताओ क्या करना पड़ेगा। बोले जब तुम लाला को स्नान कराओगे ना, मैं यहीं पर बैठा रहूंगा, उसका जो चरणामृत ला कर सर में डाल देना, क्योंकि ठाकुर जी चरणामृत क्या गंदा है ना। कहना शंकर जी सबसे ज्यादा क्यों खुश होते हैं, किसमें खुश, कांवरियाओं को देखे जैसे गंदा पानी लेकर कितने दूर से जाते हैं। बोले क्यों, शंकर सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं गंगा पानी अगर उनको सर में कोई दे, क्यों, उनकी जटा में पतित बाबू से माता गंगा, ये ठाकुर की चरणामृत होती है। इसलिए बोले बाबा सो कर लूंगा चरण। बोले और एक काम करोगे तो नजर लगेगा नहीं। बोले बता दे। बोले तब लाला को भोजन कराओगे, वो प्लेट में जो बच जाएगा ना, प्लेट में जो बच जाएगा उसको मेरे को दे देना, भगवान का प्रसाद है। देखो अभी भी आप जाओगे नंदगांव में, ये दो काम अभी भी होता है। ठाकुर को जब स्नान कराएंगे और चरणामृत सीधा करके वो शंकर जी के सर में डालते हैं, और ठाकुर जी को जब भोजन कराते हैं, भोजन का बाद में जो अवशिष्ट बच जाती है प्रसाद, उसको अभी भी शंकर जी को वहाँ भोग लगता है, वो महा महा प्रसाद हो जाता है, है? महा महा प्रसाद हो जाता है। इसलिए जब हम नंदगांव जाएंगे ये लीलाओं को हम दर्शन करेंगे। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कभी कभी तो मैया जशोदा काना को थपथपी लगा करके प्रभु राम की कथा सुनाते थे। बोले लाला एक दशरथ नाम के राजा था, कृष्ण बोलते हो। बोले उनके घर में तो सारे सुख थे, लेकिन घर में कोई संतान संतति नहीं थी, इसलिए बड़े दुखी थे। बोले हो। बोले एक समय उन्होंने श्री वशिष्ठ को बुलाए, बुला करके उन्होंने पुत्रेष्ट यज्ञ करवाए, उससे खीर निकला और उन्होंने तीनों रानी को बांट करके दे दिया। बोले हो। बोले उपयुक्त समय होने पर भगवान स्वयं चतुर्व्यूह रूप में
राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बनकर के आए हो, भले जब बड़े हुए 64 दिन में 64 विद्या को अध्ययन किया, बोले हो जब घर में वापस आए एक दिन विश्वामित्र जी आए और राम लक्ष्मण को साथ में लेकर गए और लेकर के उन्होंने तारका को मारे, बोले हो बोले उसको बाद में फिर उन्होंने उनका यज्ञ को पूरी की, बोले हो बोले एक यज्ञ तो पूरी कर लिया, बोले और एक यज्ञ हो रहा है मिथिलापुरी में, वो यज्ञ तुम्हें पूरी करना पड़ेगा, बोले हो बोले जब गए रास्ता में अहल्या को चरण स्पर्श से अहल्या को उधार किया, बोले हो बोले जब पहुंचे जनकपुरी में वहां पर धनुष यज्ञ हो रहा था और भगवान राम ने धनुष को तोड़े और सीता माता ने गले में वरमाला डाल दिया, बोले हो बोले सियावर रामचंद्र की जोश, बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोले हो। लेकिन जब उन्होंने सीता को लेकर के आए ना, और सीता को जब लेकर के आए और जिस समय राज्याभिषेक होने का था, कई कई ने दो वर मांग लिया, बोले हो बोले पहला वर में मेरे बेटा श्री भरत राज सिंहासन में बैठेगा और दूसरे वर में राम को 14 साल के लिए वनवास जाना पड़ेगा, बोले हो बोले जब वनवास गए इतने में रावण ने सीता को हरण करके ले लिया। जब इतना बोले ना कृष्ण तो अभी तक कर रहे थे, कृष्ण कौन वही राम है, सीता कौन है राधा रानी की प्रकाश है, सीता उनकी अपनी, कृष्ण तो हूं कर रहे थे। जब बोले रावण ने सीता को उठा करके ले लिया, कृष्ण जो गोद में सो रहे थे तब तक लगा करके सुला रहे थे ना, इतने में कृष्ण को जोश आ गया और कृष्ण खड़े हो गए, लक्ष्मण लक्ष्मण धनुष ला, मैं देखता हूँ कैसे रावण सीता को उठा कर ले जाएगा। मैया बोले इसको क्या हो गया, उनको तो पता ही नहीं वही राम अभी श्याम बन करके आए हैं। ऐसे ही मैया जसोदा लाला को थपथप लगा करके राम की बड़ी प्यारी प्यारी इनको कथा सुनाया करती थी। प्रभु ऐसे ही बड़े सुंदर लीला करते हुए सो घोषम निमजंतम आख्यापयंतम अपना घोष बलि श्री गोकुल को पूरा उन्होंने कृष्ण रोज रोज कुछ ना कुछ लीला करते थे और ब्रजवासी लोग उसी लीला में संपूर्ण डूब जाते थे। डूब करके दिन रात उनको पता नहीं चलता था दिन रात कैसे चली जाती, क्यों वो सब के सब ब्रजवासी वो सब के सब हाँ कृष्ण के परिकर है, वो केवल कृष्ण चिंता कृष्ण कथा कृष्ण भक्ति के सिवाय और उनको कुछ आता ही नहीं है, जिनके कण कण में ही कृष्ण बैठे हुए हैं। ठीक है निताय गौर ब्रह्मानंद, चलो हम बट उधर चलते हैं। आज हमारे देखिए गुरु जी की भक्ति रत्न सुधर गोस्वामी महाराज जी का जन्म तिथि है, चलो आज फिर उस तिथि मना करके पुष्पांजलि कथा सुन करके शायद आज राधा श्याम सुंदर शायद दर्शन करने के लिए जाएंगे। आज एक जगह दर्शन है और आज दिन भर छुट्टी है, बस आनंद में आज हरी कथा सुनो और क्या करो हाँ शाम को ना शाम को आप लोग अगर यहाँ एकदम 4:30 बजे अगर आ जाओगे एकदम लेट नहीं करना, 4:30 बजे आ जाओगे फिर मैं यहाँ आप लोग कथा सुनाऊंगा। ठीक है।